तो आप लोगों को हरे बैंगन मिले कि नहीं मिले? अच्छा, हरे बैंगन की कहानी कहाँ से आ गई? अरे भाई, पिछले वीडियो जाके देखो, 4 किलो हरे बैंगन निकाले हैं छत से। ये देखिए जी, ये है मेरी बैंगन की हार्वेस्ट, और मेरे अंदाजे से ये 3 से 4 किलो होगा। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि आज बघारा बैंगन बनेंगे या बैंगन का सालन, और बैंगन भी काफ़ी सारे हार्वेस्ट के लिए पड़े हैं। तो उस प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है। चेंज क्या आया है कि रात को थोड़ा सा मन नहीं था बैंगन खाने का सबका, तो आज हम दोपहर में, द नेक्स्ट डे आफ्टरनून लंच, बघारा बैंगन बनाने वाले हैं घर के उगाए हुए ऑर्गेनिक हरे बैंगनों से। तो आइए देखें फटाफट से बघारा बैंगन की ऑर्गेनिक रेसिपी। तो बघारा बैंगन बनाने के लिए आपको दो चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखनी हैं, उससे आपकी पूरी रेसिपी, पूरी सब्ज़ी का स्वाद बदल जाएगा। या तो वो बहुत ख़राब हो जाएगा या वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बघारा बैंगन में जब आप तिल डालें तो उसको आपने ओवर रोस्ट नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा उसको रोस्ट ना करें, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा और फिर वो स्वाद आएगा नहीं। ऑर्गेनिक बघारा बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए ऑर्गेनिक बैंगन, जो कि मैंने कल अपनी छत से हार्वेस्ट करे थे। जब आप अपने बघारा बैंगनों के बैंगन को फ्राई करेंगे तो उनको 70% कुक करना है, यानी कि थोड़ा सा अभी भी उनमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि जब हम उन बैंगनों को फ्राई करके ग्रेवी में डालें तो वो जो हैं पूरे फटफटा के ग्रेवी में मिक्स ना हो जाए और आपकी खिचड़ी ना बन जाए बघारा बैंगन की जगह। तो क्या करना है, 30% कुक होने के लिए बैंगन अभी भी हमें छोड़ देने हैं, ताकि जब ग्रेवी में जाए उसमें दम लगे, उसमें भाप लगे, तो भाप के कारण वो थोड़ा और पके, और वो फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें बैंगन एकदम सॉफ्ट और मखमली होगा। अगर आप पहले से ही उसको सॉफ्ट और मखमली बना देंगे तो वो फिर आपकी बघारा खिचड़ी बन जाएगी, बघारा बैंगन नहीं बनेगा।
हाँ जी, तो कैसी लगी आपको बघारा बैंगन की ऑर्गेनिक रेसिपी? हम ऐसी रेसिपीज आपके लिए लाते रहेंगे जहाँ पर हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अपनी टेरेस से हार्वेस्ट करेंगे, एंड वी विल ब्रिंग फ्रेश ऑर्गेनिक रेसिपीज फॉर यू। कीप फॉलोइंग बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स फॉर मोर सच वीडियोज। हमने एक सीरीज शुरू करी थी टेरेस गार्डनिंग फॉर बिगिनर्स, उसी का एपिसोड 2 आने वाला है बहुत जल्दी, तो आप नज़र बनाए रखिएगा। उस एपिसोड 2 में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 3 सब्जियों के बीज आप जून और जुलाई के महीने में सो कर सकते हैं और पा सकते हैं बेहतरीन सब्जियां पूरे बारिश और गर्मी के सीज़न। मैं आपको वो वेजिटेबल सो करके दिखाऊंगा, तरीका बताऊंगा कि जल्दी जर्मिनेशन के लिए क्या तरीके हैं, और हाँ, उसकी अपडेट वीडियोज़ आगे आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स, डू सब्सक्राइब। गुड आफ्टरनून।